गुरुग्राम में नगर निगम चुनाव का हर कोई इंतजार कर रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा की गई वार्ड बंदी पर लोगों ने आपत्ति जताना शुरू कर दिया है। आज इसी को लेकर कई वार्डों के सामाजिक लोग जिला उपायुक्त के कार्यालय पहुंचे और वार्ड बंदी से नाराज लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिला उपायुक्त को सौंपा। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहे। लोगों ने बताया कि जो ये वार्ड बंदी की गई है, इसमें सरकारी पैमाने को एक तरफ करके वार्ड बंदी को गलत तरह से किया गया। इस वार्ड बंदी में साफ तौर पर राजनीति की बू आ रही है। ये है कि जो वार्ड बंदी हुई है, वो जो सरकारी पैमाने थे उनको एक तरफ करके, और ये वार्ड बंदी गलत तरीके से पॉलिटिकली, और इसके अंदर जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इसके अंदर राजनीतिक जो दुर्गंध है वो वार्ड बंदी के अंदर आ रही है, जिसको लेकर जितने भी वार्ड के अंदर जो जागरूक लोग हैं, आम जनमानस है, उसके अंदर रोष है। और आज ये रोष हम सब ने मिलकर माननीय उपायुक्त महोदय के समक्ष प्रकट किया है कि पूरे गुरुग्राम के लोगों में इस वार्ड बंदी को लेकर असंतोष है, इसको तुरंत दुरुस्त किया जाए। ऐसा हमने माननीय उपायुक्त महोदय को बोला है और माननीय उपायुक्त महोदय ने हमें भरोसा और विश्वास दिलाया है कि जो आपने आपत्तियां दर्ज कराई हैं, जो आपकी पीड़ा है, निश्चित रूप से उस पर हम पीड़ा को मरहम लगाने का काम करेंगे, इसको सही करने का काम करेंगे। बहरहाल गुरुग्राम की जनता इस वार्ड बंदी को लेकर भारी रोष में है। इनकी मांग है कि इस वार्ड बंदी को ठीक किया जाए। अगर सरकार ने इस वार्ड बंदी को ठीक नहीं किया तो वो सब मिलकर रोड पर उतरकर विरोध प्रदर्शन भी कर सकते हैं। गुरुग्राम से अनुज पांचाल, सत्य खबर।